हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरी बहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सकें तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल की मेम्बरशिप ले सकते हैं और साथ ही साथ हमें सुपर चैट कीजिए। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फर चौधरी ने। दोनों ही किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस लाइव सेशन में हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए टाइम निकाला। थैंक यू रिबाह जी, आपने बुलाया हमें, इसके लिए मगनून है आपके। मगनून मशकूर होता है सर, मुजफ्फर ममनून भी होता है। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपके जो देखने वाले तमाम दर्शक हैं उनको हमारी सबकी तरफ से जो है नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच सर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है, गज़वा हिंद, और जो कि आज हम इस डिस्कस करने जा रहे हैं। सर, एक खबर सामने आती है, दारुल उलूम देवबंद इश्यूज फतवा गिविंग वैलिडिटी टू आइडिया ऑफ गज़वा हिंद। तो आगाज़ हम डॉक्टर अभिषेक सर से करेंगे। डॉक्टर साहब, आप इस न्यूज़ को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें आप बताइए सर, जो आपके दिल में है वही कहेंगे। सर, फराज आसिम साहब है, वो पूछ रहे हैं खाना बना लेती हूँ, पागल बना लेती हूँ, खाना नहीं बनाती। पता नहीं कौन है। अब देखिए, ऐसा है कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इन ये, अगर आप इसको सर्च करें इस चीज को तो ये आपको मिलता है। सुनन निसाई की जो किताब है द बुक ऑफ जिहाद, उसका हदीथ नंबर है 3175, ठीक है ना? तो चैप्टर 41 है, द चैप्टर का नाम है द बैटल एक्सपेडिशन ऑफ इंडिया। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ माय उमा हुम अल्लाह विल फ्री फ्रॉम द फायर, द ग्रुप दैट इन्वेड्स इंडिया एंड द ग्रुप दैट विल बी विद ईसा बिन मरियम पीस बी अपॉन हिम। इसका ग्रेड हसन है दारुसलाम से, रेफरेंस नंबर है सुनन अन्निसा हदीत नंबर 3175, बुक 25 हदीत 91, वॉल्यूम 1 बुक 25 हदीत 3177। तो अब इसमें क्या बच जाता है? कोई पूछे कि वो करना है क्या नाम है गज़वा हिंद, तो वो लोग कहते हैं, अब इस पे दो स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ कहते हैं गज़वा हिंद हो गया, कुछ कहते हैं गज़वा हिंद होना है। जो कहते हैं गज़वा हिंद हो गया वो ये कहते हैं कि भाई सिंध में जब मोहम्मद बिन कासिम और ये लोग आए, या ये देखिए भारत पे जो आक्रमण हुए इतने सारे एक समय, देखिए आप एक बात सोचिए, ये 9वीं शताब्दी से लेकर के और ये 16वीं 17वीं शताब्दी तक ही ये सारे आक्रमण क्यों हुए? ये इसी हदीस के कारण। इस हदीस में जो जो लोग कन्वर्ट होते थे वो ये बात को मानते थे कि अगर हमको इंडिया पे अटैक करेंगे तो हम ये फायर की हेल से बच जाएंगे। जो कन्वर्टेड फोर्सेस थी उनके लिए ये खास कर सो बार बार। तो इंडिया में ये जो लोग आए वो इंडिया से प्यार लेकर के लिए नहीं आए, वो ये सब लेकर के आए कि इंडिया पे इन्वेड करना है। अच्छा हुआ यह कि अब कई मुस्लिम थे, उन सबने इन्वेड कर दिया तो वो आपस में भी लड़ पड़े, ये एक अलग बात है। क्योंकि जब ये हदीस आई तो ये नहीं सोचा गया था कि कई ग्रुप्स पढ़ के अलग अलग तरीके से यहाँ पे अटैक करने लगेंगे। तो इंडिया पिछले 900 साल से गज़वा हिंद झेल रहा है, 1000 साल से झेल रहा है, और उसका नतीजा आपने देख ला, गज़वा हिंद के तहत पाकिस्तान बना, गज़वा हिंद के तहत बांग्लादेश बन गया। अब यह है कि क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये हदीस में ये नहीं बताया कि ये कंप्लीट कब होगा, तो जो लोग ये मान रहे हो गया उसके बाद ये तो कभी नहीं लिखा कि भाई ये खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अगर मान लीजिए हो गया तो क्या सिर्फ एक बार होना है या बार बार होना है? ठीक है ना, वो तो एक है कि जो लोग अटैक करेंगे करते रहेंगे, एक बार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा। लिखा जो भी इंडिया पे अटैक करेगा मेरे उम्मा में से वो हेल की फायर से मुक्त हो जाएगा, तो वो जब तक करे जितनी बार करे, समझिए ना, बिकॉज के अल्टीमेटली ये है कि गज़वा हिंद के तहत इंडिया का इस्लामीकरण होना है, ये उनकी मान्यता है।
पॉइंट ये कि अब इसमें कोई दारुल उलूम देवबंद ने कोई गलत बात तो नहीं कही, बात तो उन्होंने सच कही। और ये भी कहा गया चूंकि ये गाजी है, चूंकि गाजी हैं तो गाजी तो एक अलग ही दर्जे का, गाजी और हाजी ये तो बहुत ही मुकद्दस लोग होते हैं इस्लाम में, तो ये जो गाजी हैं ये नरक की आग से नहीं जलेंगे। अच्छा, मुझे आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि जब होना है कयामत का दिन, उसके बाद लोग नरक या स्वर्ग में जाएंगे, तो फिर अभी से कौन साले को जल रहे नरक में, मुझे ये नहीं समझ में आया। क्योंकि मुझे जहां तक पता पता है जिन्होंने है गुनाह किए, जिन्होंने गुनाह किए सर, जिन्होंने गलत किया, वो अभी चले गए हैं, उनकी गुनाह का फैसला कैसे हो गया? सर कर्माज अरे बाबा, जब आप जिस दिन कयामत का दिन होगा, सब लोग को जिंदा किया जाएगा, सबसे उनके गुनाह को तोला जाएगा, जो गुनाह करेंगे उनको नर्क भेजा जाएगा, और अगर वो मुसलमान है तो उसके बाद वो स्वर्ग में आ जाएंगे। यही है कंसेप्ट ना? मुजफ्फर भाई करेक्ट कीजिएगा मुझे अगर मैं गलत हूं तो। अब ये भी एक बात है। इसमें ये है कि जब कोई भी इंसान मरता है, फौत होता है, तो कब्र में जाकर उसे सवालात किए जाएंगे। चंद सवाल होंगे, उसमें ये पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, और मन दीनों का, मन रबों का, ये सवाल होंगे दो कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। और उससे फिर वहां पर ही जो है ना, नमाज के बारे में भी कब्र के अंदर पूछा जाएगा। ये कयामत से पहले की बातें हैं। तो जो ये एक, और उसके बाद में चंद एक सवालात होंगे, और उसका वहां पर ये समझे कि मरने कयामत आने से पहले एक जो एक दौर है, एक वक्त है जो वो कब्र के अंदर गुजरेगा, उसके अंदर भी कुछ चीजें नहीं, ऐसी होंगी कि जो। क्वेश्चन ये है मुजफ्फर भाई जी कि जी कब्र के अंदर रहेंगे, फिर कयामत होगा, फिर सब जिंदा हो जाएंगे, फिर वो पूछा जाएगा सवाल। ठीक है, तो मैं समझ में आ रहा है, अभी कौन है जी वहां पे? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि वो तो देख के आ चुके हैं कुछ लोग, कि भाई ऊपर भी जो है वो हेल फायर में कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, वो कैसे चले गए बिना कयामत के? यानी वो ये समझे कि उन्होंने वो मनाजर देखे हैं जो कयामत के बाद होने वाले मनाजर हैं, वो उनके बारे में पहले से उनको दिखा दिया गया है। पर वो लोग कौन है? क्योंकि उसमें कहा गया ना कि औरतें ज्यादा हैं, बच्चे हैं, या कौन है वो लोग जी कैसे पहुंच गए जब अभी कयामत का दिन ही नहीं आया? ये मैं नहीं समझ पाया, नहीं, वो मतलब वो क्या यही है फिक्स ना, वो जो वक्त है वो, यानी कि बाद का वक्त दिखा दिया है उन्हें, पहले से दिखा दिया कि ये मरने के बाद या कयामत के बाद ये इस तरह के मनाजर होंगे और ये वाले लोग होंगे। और उन लोगों के बारे में जो आखिरी, मैंने एक हदीस की किताब पढ़ी थी, उसके अंदर ये बताया गया कि जो आखिरी बंदा जन्नत में भी जाएगा जहन्नम से निकाल के, उसका नाम भी पहले से मेंशन कर दिया कि उसका नाम ये होगा। तो ये सारी चीजें पहले से उनको दिखा दी गई हैं। अभी जो मेरे ख्याल में, मैं कोई, आपको पता है कि ये दीनी बहस के अंदर मना किया गया कि जब तक आपको कंप्लीट इलम ना हो आप इसके ऊपर डिस्कस ना करें। तो लेकिन बहरहाल मेरे जो ख्याल में ऐसे ही है कि हमारे जो नबी हैं उनको पहले से बता दिया गया है कि इस तरीके से वहां पर ये लोग जहन्नुम में होंगे और ये जन्नत में होंगे। तो अभी जो वो जो दिखाया गया वो मतलब डमी कैंडिडेट्स थे। मैं समझ गया आपकी बात, जी, डमी थे वो, इंसान नहीं थे। लेकिन ठीक है, ठीक है। तो खैर वो जो भी लेकिन है आपको जन्नत, जी जो जन्नत में जैसे गए थे हमारे नबी, जब आसमान पे गए थे, जो मुख्तलिफ आसमानों पर, तो वहां पर जो अंबिया कराम थे, जो हमारे जैसे कि हजरत मूसा अलैहि सलाम है, हजरत ईसा अलैहि सलाम है, हजरत नूह अलैहि सलाम है, इन सबसे भी मुलाकात उनकी हुई थी। तो वो ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे, तो वहां पर इनकी मुलाकातें अच्छा हुई थी। उनके ये लिए, ऐसे अच्छा जी उनके लिए कयामत का दिन नहीं है? नहीं, कयामत का दिन तो होगा, लेकिन जब कयामत का दिन होगा दोबारा से सबको, एक कयामत जब आएगी सबको दोबारा से मारा जाएगा और ओहो, दोबारा से जिंदा किया जाएगा। ये जो लोग ऊपर पहुंच गए वो भी? हाँ जी, हाँ जी, सारे अच्छा, सारे ठीक है। जी। अच्छा सर, ओके। कुछ लोग ये भी तो क्लेम करते हैं ना कि ये इमेजिनरी है गजवा हिंद, कुछ कुछ नहीं, मुसलमान तो ये भी क्लेम इमेजिनरी करते नहीं है। नहीं, ये ये उन्होंने भी क्लियर कर दिया, मैंने आपको बता दिया। ग्रेड हसन, हसन तो मतलब अच्छी ग्रेडिंग है ना, क्यों मुजफ्फर जी भाई? जी हसन है, काफी अच्छी ग्रेडिंग है, ये सही देखिए, ग्रेडिंग गजवा हिंद जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि इसके अंदर मुख्तलिफ आराय, मुख्तलिफ जो है लोगों के नजरिया है। एक तो यही कहते हैं कि जी ये गजवा हो चुका है, जैसे कि मोहम्मद बिन कासम और राजा दाहर के दरमियान जो बैटल हुई थी उसको भी बोला जाता है। और सबसे जो मेन चीज है गजवा, उसको कहते हैं कि जिसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो, यानी कि आम जो जंग होती है वो उसको गजवा नहीं बोला जाता,
गजवा उसको कहा जाता है कि जिसके अंदर जो हमारे प्रॉफिट हैं उन्होंने खुद शिरकत की हो। तो ये समझने वाली बात है कि ये कैसे ऐसे है कि वो इसको गजवा कहा जा रहा है, या इसकी अहमियत इतनी ज्यादा बताई गई है कि इसको गजवे के बराबर करार दे दिया गया है। कि जैसे कि मुख्तलिफ इबादत है कि रमजान के अंदर अगर आप उमरा करें तो वो उसके बारे में ये हदीस है कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ऐसे ही है कि जैसे मेरे साथ इन्होंने हज किया, तो उसको भी हज का दर्जा दिया जाता है। ऐसे ही मेरे ख्याल में इस गजबे की इतनी अहमियत बयान की गई है कि इसको जो है वो गजबा करार दे दिया गया कि इसके अंदर जो शिरकत करेगा, एक तो उसके जहन्नुम से उसकी आजादी है, उसे आग में नहीं डाला जाएगा, और दूसरा उसको ये ऐसे एजाज होगा कि उसने जो हमारे नबी के साथ मिलकर ये जहाद किया है। तो ये एक तासर जो है ना वो उलमा कराम इसको बयान करते हैं। अब जो भारत के जो मुसलमान, क्योंकि अभी तो ये तो नहीं हुआ कि एक ही होगा, ये तो साफ आ रहा है कई और हो सकते हैं ऐसा लिखा जो इस इंटरप्रिटेशन साफ है। तो जो बेचारे भारत के मुसलमान है वो क्या करें, गजवाए हिंद हो तो वो किसकी तरफ से लड़े? ये तो वहां के मुसलमान से ही बता सकते हैं कि वो क्या करेंगे। भारत के मुसलमान, वो भारत का टूटा हुआ हिस्सा जो है वो मुसलमान क्या करेंगे, वो भी तो भारत ही है ना। सर यहाँ पर मुझे डायलॉग याद आ रहा है पीके मूवी का, कोई फिरकी ले रहा है। कोई फिरकी नहीं ले रहा है। अच्छा छोड़ें, आप ये बताएं कि मुजफ्फर भाई की फिर अब हम लोग क्या किया जाए। ये जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है उन्होंने कह दिया हम हदीस ही नहीं मानते, अब क्या होगा? सर वो तो काफिर होते जा रहे हैं ना, अगर पाकिस्तानी के तौर पे अगर बात करें तो वो तो काफिर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका तो जैसे अभी आपने देखा कि यूएई के जो यूएई में जो मतलब टेंपल की इनोग्रेशन की गई, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी उधर गए, तो पाकिस्तान की जानिब से बड़ा क्रिटिसिज्म का सामना था वहाँ के प्रेसिडेंट को भी और साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी को। उसके बाद जब वो वहाँ से इंडिया वापस गए हैं, और इंडिया वापस जाने के बाद जब वो कश्मीर में गए हैं, तो कश्मीर में जो मैंने आर्टिकल पढ़ा तो उसमें एक रिएक्शन वीडियो भी दी थी जिसमें मैंने पाकिस्तान का आर्टिकल की कुछ लाइंस को भी मैंशन किया था, जिसमें ये बताया था कि हड़ताल की कॉल दी जा रही है, कोई हुर्रियत के रहनुमा है, मुझे उनका नाम भूल रहा है, शायद अब्दुल समद नाम है उनका, जी अब्दुल समद साहब ने कहा कि हम इस डे को ब्लैक डे के तौर पे मनाएंगे, और उसके साथ साथ जो है कश्मीर में कर्फ्यू होगा, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में ये छापी गई हैं, मतलब पाकिस्तान में इस तरह के आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं कश्मीर के चीज़ों को लेकर और जो भी मामला वहाँ पर थे। लेकिन कुछ जगहों पर मैंने लोगों का इंटरव्यू भी किया, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ थी, तो समझ नहीं आ रहा किसकी बात पे बंदा इतबार करे तो किसकी बात पे ना करे। तो क्या कहेंगे आप इस पूरे चीजों को देखते हुए मुजफ्फर भाई, पाकिस्तान में ये जो हुर्रियत रहनुमा है ये मोदी को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, उसके अलावा कल्चर जो है और यूएई वाले जो है वो इंडिया इंडिया कर रहे हैं इस टाइम। इवन अब तो ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर उधर जो ऑफिशियल्स उधर आए हुए हैं उनका तो वहां से जाने को दिल ही नहीं कर रहा है, इंडिया के गुनगा रहे हैं, क्या कहेंगे? इस पे मातम ही किया जा सकता और हम क्या कह सकते हैं। ये पाकिस्तानी लोगों की जो सोच है, जो इनकी माइंड सेट है, या इनकी जो भी ये सारी चीजें हैं, तो वो देखें पूरी दुनिया जो है वो चेंज हो रही है। हम इसके ऊपर पहले भी बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि मोहम्मद बिन जैद हो या मोहम्मद बिन सलमान हो या कोई भी और दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड के जितने भी इस तरह के लीडर हैं, उन्होंने अपना जो है वो विजन चेंज किया है और वो तरक्की के रास्ते के ऊपर गामजन है, और हम अभी भी वही चीजें सोच रहे हैं, वही कर रहे हैं कि देखें कि हम कि जी मोदी जी ने वो वहां पर ये क्यों कर दिया, और जो है मोहम्मद बिन जैद ने वहां पर मंदिर क्यों बना दिया। ये सारी चीजों में फंसे हुए हैं। मुल्क के लिए कौन कर रहा है, कौन सोच रहा है? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं सोच रहा। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हम तो दूसरे के ऊपर तनकीद ही करते हैं, हमने हमेशा से तनकीद की है कि मोदी जी वहां पर मुसलमानों के दुश्मन है, मोदी जी जी ऐसे हैं, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। हम ये नहीं देखते कि मोदी जी ने जब इंडिया की बागडोर संभाली थी आज से 10 साल पहले, तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 12वें नंबर पर थी, और उन्होंने बोला था कि मैं कुछ सालों के अंदर इंडिया को टॉप 5 में लेके आऊंगा, और वो लेके आए। अभी उन्होंने दोबारा से बोला है कि मैं टॉप 5 में से टॉप 3 के अंदर लेके आऊंगा, और 100% मुझे यकीन है कि वो
आने वाले चंद सालों के अंदर इंडिया टॉप थ्री के अंदर आ जाएगा। तो ये इस चीज को भी देखें कि उन्होंने 25 करोड़ लोगों को जो है वो गुर्बत की शरह से ऊपर लेकर आए, पॉवर्टी खत्म की है, और उसके अलावा जो गरीब हैं जो कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते उनको फ्री राशन दिया जाता है, उनको ये नहीं है कि जो बेघर लोग हैं उनको घर बना के दिए जाते हैं, जो किसान बेचारे उनके पास कुछ ऐसे पैसे नहीं होते उनको सब्सिडी दी जाती है, जो जो उसके साथ साथ उनकी जो मैं बड़ा हैरान हुआ देखकर कि जो किसान वहां पर एहतजाज कर रहे हैं वो क्या एहतजाज कर रहे हैं कि जो हमारे जो रेट है MSP शायद बोलते हैं उसको 1100 गुना कर दिया जाए। तो इस तरह देखें वहां पर लोग जो है वो एहतजाज भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, और गवर्नमेंट ने कुछ चीजों के ऊपर एग्री भी किया कि जी हम आपको इतने % जो है उसकी जो कीमतें हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं। वो सोचते हैं, अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, वो वहाँ के लोग भी अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, वहाँ के लीडर भी अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। मुझे ये चीज, अभी आप इलेक्शन देखें पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, मुझे बड़ी होप थी कि हमारे लोग जो है वो पाकिस्तान के बेटर फ्यूचर के लिए किसी एक पार्टी को मुंतखब करेंगे कि जिसने इस मुल्क को डिलीवर किया गया। तो माजरत के साथ अभी हमारी यूथ बिल्कुल इमरान खान के साथ तो है, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाए कि इमरान खान की इस मुल्क के लिए क्या परफॉर्मेंस रही है पिछले जो 4.25 साल उन्होंने गवर्नमेंट हुकूमत की थी, तो उन्होंने क्या काम किया, तो एक काम भी वो नहीं गिनवा सकते कि उसने मुल्क के लिए ये किया। अगर यही हाल इंडिया के अंदर होता, इंडिया के अंदर किसी की गवर्नमेंट होती, 4 साल उसको गवर्नमेंट उसकी हुई होती, वो कोई डिलीवर ना कर गया होता, तो अब उसको जूते पड़ रहे होते। यहाँ पर उल्टा सिस्टम है कि जो जिसने डिलीवर नहीं किया उसको सर के ऊपर बिठाया जा रहा है, उसको हीरो माना जा रहा है। तो ये फर्क है हमारी सोच में और हमारे जो इंडियन हैं उनकी सोच में, और हमारे जो लीडर हैं और उनके सोच में। तो ये हम तो अभी भी मैं देखता हूँ कि जो वहां पर जिस तरीके से तरक्की हो रही है, वंदे भारत ट्रेन जब मैं देखता हूँ, मुझे कुछ लोगों ने वीडियोज भी सेंड की थी, वहां की जो ट्रेन है, महाराजा एक ट्रेन है और पैलेस ऑन व्हील एक ट्रेन है, शदावली एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, इस तरह की मुख्तलिफ ट्रेनें जब मैं देखता हूं, तो मैं अभी मैं रिसेंटली सफर मैंने किया था, मैं दोबारा से सफर करना हूं ट्रेन में, तो मैं जब देखता हूं तो मैं ऐसे लगता है कि मैं कोई 50 साल पुराने दौर में फिर रहा हूं, 100 साल पुराने दौर में फिर रहा हूं, और दुनिया आगे से आगे पहुंच गई है लेकिन हम अभी भी उसी डगर के ऊपर चल रहे हैं जहां पर अंग्रेजों ने हमारे हवाले इस मुल्क को किया था। लेकिन क्या कह सकते हैं हम तो सिर्फ अपने हालात के ऊपर मातम ही कर सकते हैं, सोग ही बना सकते हैं, या इंडिया की तरफ देख के हैरान होते हैं कि वहां पर कितनी डेवलपमेंट हुई है। क्रिटिसाइज करना है तो अपने आप को क्रिटिसाइज करो कि हमको हमारे हुक्मरानों ने किस हाल तक पहुंचा दिया है, हमारे मजहबी रहनुमाओं ने हमें जो इस्लाम का चूर्ण दे दे के हमें कहाँ तक पीछे ले गए हैं, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का इसमें बहुत अहम रोल है। तो ये सारी चीजें मिलकर पाकिस्तान को पीछे से पीछे लेके जा रही हैं, और जब तक हम, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ही अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक बेहतरी नहीं आ सकती, और मुझे फिलहाल पाकिस्तानियों के अंदर कोई सोच में कोई बड़ी तब्दीली होती हुई नजर नहीं आ रही। जी ये बात सच है डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है, जैसे आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर मैं उनकी एक पर्सनल जो बात करूं कि उनकी, उन्होंने जिस तरह कश्मीरी यूथ के लिए जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, एजुकेशन को पर उन्होंने जितना फोकस किया, आप जो रिसेंट उनके जो प्रोजेक्ट्स आए हैं, और इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए उनका एक बहुत अहम उन्होंने एक रोल प्ले किया, और उसके अलावा जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई अपने कंट्री को लेकर, फॉरेन पॉलिसीज, डॉक्टर एस जयशंकर और PM मोदी, तो पूरे वर्ल्ड में उनकी जो पॉलिसीज हैं वो बड़ा ज़्यादा सहराया जाता है इस बात पे, और अब इसकी जीती जागती एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि ग्रीस के जो ऑफिशियल्स और प्राइम मिनिस्टर 14 साल के बाद जो है उनका वहाँ पर विजिट हुआ है, और जिस पर वो वहाँ पर वहाँ के गुण गा रहे हैं, ठीक है, और जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपका लीडर आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर जाकर वो सबसे पहले अपनी टॉप प्रायोरिटी पे जो है इंडिया को रखते हैं। सर मैंने अब रिसेंट दोबारा से पब्लिक जो है वो रिव्यू स्टार्ट किया ना, तो उसमें जब मैंने जिक्र किया, और जब मैं पहले, जब आज से 2 साल पहले जब मैं रोड शोज किया करती थी, तो मैं अब की बार और पहले की बार में ज़मीन आसमान का फ़र्क देख रही हूँ। तब बहुत से लोग जो है वो क्रिटिसाइज़ करने वाले हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी को, इंडिया को, और अब थोड़ा सा मुझे बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे हैं, चीज़ें जो हैं बहुत अवेयर हो चुकी हैं, क्योंकि उन सबको पता चल गया है कि इंडिया जो है आने वाले टाइम की तीसरी बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है। तो ये किसकी पॉलिसीज़ की वजह से पॉसिबल हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है। वुमेन एम्पावरमेंट पर जो उन्होंने एक रोल प्ले किया वो भी हमारे सामने है,
तो सर क्या कहेंगे कि ग्रीस के जो ऑफिशियल्स हैं वहां पर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इनकी जो ट्रेड है उसमें मजीद बहुत ज्यादा इजाफा होने जा रहा है। आप इस पर क्या थॉट रखते हैं कि 2030 में आप ग्रीस और इंडिया के रिलेशंस को कहाँ देख रहे हैं और इंडिया जो है थर्ड बड़ी सुपर पावर कंट्री कब बन जाएगा? तो इसपे हम क्या बोले, वो देखिए ये सब तो इसको कोई रोक नहीं सकता। अब आपने इतना बड़ा लेक्चर ही दे दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ बोलूँ क्या बोलूँ। सारी बातें तो उन्होंने खुद बता दी, तो सर मैं अपनी थॉट बता रही थी, आई एम सो सॉरी सर। वो सारी थॉट हमारी ही थी भाई, हैरान ही हो गए हमको। पहले तो मैं 10 मिनट तक सुनता रहा कि क्वेश्चन कब आएगा। देखिए ऐसा आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जी देखिए सर, अब तो हम घबराना छोड़ चुके हैं सर, आदत हो गई है। जब आदत हो जाए ना चीज को एक्सेप्ट कर ले तो वो ज्यादा आसान हो जाती है आपके लिए। देखिए ऐसा है बाजी वैसे की, सर गालियां सुनना अब हमारे मुकद्दर में आ गया, अब हम इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। शुरू शुरू में जब मुझे मिलना शुरू हुई थी मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि समझ नहीं आ रहा था, अब आदत हो गई है, अब फर्क नहीं पड़ता। अब तो मुझे ना पड़े तो मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ आज का ये मूड तो बहुत ही डिप्रेशन होती है। अरे कल नहीं, क्या हो गया लोगों को? अब मेरे यूट्यूब चैनल का ग्रोथ ही बंद हो गया। पहले लोगों ने सब्सक्राइब किया था, अब सब्सक्राइब मुझे तो लोग जबरदस्ती गालियां दे रहे हैं। मुझे मैंने किया क्या, मुझे समझ में नहीं आता है। खैर एनीवेज, देखिए जोक्स अपार्ट, आई जस्ट सम इट अप बिकॉज़ मुझे अपने चैनल पे जाने में साथ दे जा रहा था। ये जो दारुल उलूम देवबंद है, यही आप भी हैं जो पाकिस्तान का थॉट प्रोसेस है। जो मैंने कहा ना, मुजफ्फर भाई को याद होगा, मूर्खों का इस्लाम, तुर्कों का इस्लाम, अरबों का इस्लाम। तो अरबों के इस्लाम ने तो कह दिया कि भैया मैंने तो हदीसों से पल्ला झाड़ लिया। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने आके टीवी पे ताल ठोक दी कि हदीस 300 साल बाद लिखे गए, मैं नहीं मानता, अगर मैं गलत बोला हूं तो मुजफ्फर भाई मुझे सही कर दीजिएगा। कहा ना जी उन्होंने ऐसे ही ऐसा? जी कहा तो अब मूर्खों के इस्लाम ने उस हदीस को, जो कि इस्लाम का जनक है, जो देश उसके राजा जो हैं, जो कि अल बैत के वो है ट्रस्टी हैं, वो कह रहे हम नहीं मान रहे, और आप उसके आधार पे कह रहे हो वो सही है। आप इन इन्वेडर्स को, आपको क्यों लगता है ये मुगलों को अपना हीरो क्यों मानते हैं? ये इसी गजवाए हिंद की वजह से। ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा करता है। अपने देश की मिट्टी के लिए लड़े या देश की मिट्टी को दूसरों की मिट्टी के लिए लड़वा दे, क्या पसंद करेंगे आप? कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि च गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बड़ी है। आपकी क्या है कि मातृभूमि जाए भाड़ में पहले स्वर्ग? तो अब यही कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये जो, अगर ये अरबों के इस्लाम से चल रहे होते तो ये जो देवबंद दारुल उलूम है, उन्होंने कहा होता कि ये जो है हदीस की अब कोई वैलिडिटी नहीं रह गई है, क्योंकि जो हमारे अलबैत के वो हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब, उन्होंने अब कहा है कि हम इस पे विश्वास नहीं रखते। मोहम्मद बिन सलमान साहब से बड़ा तो कोई मुसलमान नहीं होगा। कोई ये कहे कि हम अरबों से ज्यादा मुसलमान है, बिना अरब की किताब पढ़े हुए, अरबी भाषा में किताब पढ़े हुए आप असली मुसलमान हो जाएंगे, कैसे कैसे मानोगे? तो ये है मूर्खों का इस्लाम। अरबों का इस्लाम क्या है? वो अब अपने इस्लाम को टॉलरेंट बना रहे हैं। दाऊद वहां मंदिर खुल रहा है अबू धाबी में और दुबई में। और मूर्खों का इस्लाम क्या कर रहा है कि पाकिस्तान के सारे मंदिर बंद कर दिए, अपने पुरखों की मंदिरों पे ताला लगा दिया, कह दिया जी हिंदुओं को मार दिया, हिंदुओं को मार। अरे आप हिंदू हो मेरे सरकार, अपनी चीज पे ताला मार के कह रहे हैं, देखा मैंने हिंदुओं को कैसा था, हिंदुओं की मंदिर तोड़ी, बाप दादा सारे के सारे हिंदू। अपनी नेशन को डिनाई करने वाले दुनिया के इकलौते मुल्क हैं आप। अब इस पे तो मुझे वो अपने दोस्त की मम्मी ही याद है, यही किया जा सकता है, और तो कुछ नहीं किया जा सकता। रोने का मन करता है और तो कुछ नहीं करता। रिलीजन को इतना ज्यादा सुपीरियोरिटी दे देना, जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट बन चुके हैं, अरबों ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, अब आपको क्या चाहिए? उम्मा कहां बचा? उम्मा कहां बचा? अब जब उसमें दो कंडीशन है ना, ये जो हदीस है इसकी तीन कंडीशन है, एक तो उम्मा होना चाहिए, उम्मा बचा कहां? कहां बचा उम्मा? सबने वीजा क्रिएट कर दिए, सबने, आपने अभी अफगानों को अपने यहां से निकाल दिया कि आप हमारे मुल्क में आते और हमारे मुल्क की वसाई यूज करते, उम्मा कहां बचा? वेयर इज द उम्मा?
जो अरबी है वो अपने आप को मुसलमान पहनने से पहले अरबी बोल रहे हैं, वो तो वो क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने तो अरबों से लड़ाई लड़ी भैया, किसी रामलाल से उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, न वहां श्यामलाल थे, हनुमान जी भी नहीं थे। तो पॉइंट यह है रिबाहा जी कि मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं कि अब है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे जो कर लो इस देश में सब अलाउड है। रिलीजन को इतना सेंसिटिव बनाया हुआ इस देश में कि उसके नाम पे तुम कुछ भी करो, दंगा मचाओ, आतंक मचाओ, सब अलाउड है। इस देश ने झेला है फिर भी लोग सीखने को तैयार नहीं है। हम जैसे लोग आएंगे बोल के चिल्ला के मर जाएंगे और करेंगे क्योंकि हमें अपनी मिट्टी से प्यार है। हम लोगों को साइड लाइन लगा दिया जाता है, हम लोगों को बहुत कुछ पे करना पड़ता है इंडिया में ये सब बोलने के लिए, आपको पता नहीं है, आपसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हमें पे करने पड़ते हैं, लेकिन है अपनी मिट्टी से प्यार तो करेंगे। मिट्टी के दीवाने हैं, मिट्टी के दीवाने हैं, ऐसे ही नहीं हम बड़े शाणे हैं। हमसे ज्यादा मसाइल नहीं होंगे आपके, सही कह रहे हैं मुजफ्फर भाई। मसाइल का जरिया क्या है? अगर आप मसाइल ये कहें कि कोई गर्दन काटने को कह रहा है तो वो तो आपको पता है, मैंने इनकार कर दिया था रिबाहा को ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कि मैं इस प्रोग्राम में नहीं बैठ सकता। हाँ क्यों, टॉपिक ही ऐसा, इसके ऊपर हम कुछ मुंह से कुछ बात ऐसी निकल गई तो कल को मेरी खबर आ जाएगी यहाँ पर आपको जान के लाले पड़ जाएंगे। हम लोग करेंगे उसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे आपके ऊपर, आप चिंता मत कीजिए। क्या प्रोग्राम करेंगे, टॉपिक क्या होगा? वही गजवाए मुजफ्फर भाई, गजवाए हिंद की जद में आ गए, गाजी मुजफ्फर की गाजी ने शहीद। अच्छा सॉरी, और अगर मेरे साथ हुई तो आप ऐसे ही कीजिएगा, मेरे लिए क्या कीजिएगा, कुफार मिश्रा गया एक कुफार खत्म। वो जो थूक वाला नहीं, वो जो आपने वीडियो अक्सर आप जिक्र करते हैं कि ये काफिर गया, हाँ वो मैं देख रहा था एक कोई, वो 2024 खातिर खत्म, 2024 हिंदुस्तान से काफिर खत्म, हमारा देश अभी खत्म यहाँ से, वो मौलाना साहब थे भाई, कहाँ है उनको, मैं उनका वीडियो देखना चाहता हूँ, कोई मुझे फिर से दिखा दो, मिला ही नहीं, मैंने बहुत ढूंढा वो वीडियो, 2024 हिंदुस्तान से काफिर खत्म, 2024 वो पता नहीं लगा क्या रहे थे वो, मुझे यही सुनिए, आपने देखा है वो मुजफ्फर भाई? नहीं मैंने नहीं देखा। बहुत बड़े आलिम थे, आलम आप समझ नहीं उनके आलिम का आलम क्या था। तो ठीक है आप लोग ये कीजिए, तो आप चिंता मत कीजिए, हमें से किसी की भी गर्दन छोटी होगी तो हम लोग प्रोग्राम करेंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है ना, पीछे कैंडल जल रहा होगा, दीप वाला ऐसे 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 अगर बस टॉपिक बदल जाएगा, हम गए तो कुफार खत्म। मेरे ऊपर सिर्फ एक वीडियो करेंगे हम, नहीं एक एक करेंगे, एक मेरे ऊपर एक इनके ऊपर लाइव, थक जाते ना, ज्यादा नहीं कर पाएंगे हम ना, होंगे ना तो लोग बहुत मिस करेंगे, तो लोग मिस कर गए मेरा वाले में, आप लोग भूल जाते हैं रिबाहा जी, लोग भूल जाते हैं, एक हफ्ता याद रखेंगे, 10 दिन याद रखेंगे, 15 दिन याद रखेंगे, महीना याद, आपको हमारी याद में वो अपनी जान दे दे, अरे यार हो गया, हम भी भूल जाते हैं भाई, चलो भाई चला, अच्छा बहुत अच्छा हुआ, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे यार, खाना का हुई बतावा, आदमी शमशान जा रहा होता है पहले ये चिंता रहता कि यार अकरे बात हो कुछ मिली तो देखिए यही जीवन का चक्र है, आना है जाना है, और जो अपना अपना काम है हम लोग को निभाना है, जैसे मैं गया तो कुफार खत्म, आप गए तो शहादत हजम, आप समझ रहे हैं ना, तो अपनी अपनी फिलोसफीज है, बट ठीक है, बॉटम लाइन यही है कि मूर्खों का इस्लाम है जैसे मैंने पहले ही कहा था, और अरबों का इस्लाम, तो मैं तो मोहम्मद बिन सलमान साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ, उन्होंने साफ कह दिया इन अनइक्विवोकल टर्म्स कि भाई मैं हदीसों को नहीं मानता, बात खत्म हो गई, सारी सैंक्टिटी खत्म हो गई, लेजिटिमेसी खत्म हो गई एज ए सोर्स ऑफ लॉ, तो अब क्या बचा है इसमें, कुछ नहीं बचा, बाकी जो करते रहे उसके लिए हमारे पास भी वही है, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, हिंदुस्तान वही है कुछ वजह कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, है कुछ वजह कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मम्मी पिटती क्यों नहीं हमारी, समझ लिया आप, सो पॉइंट यही है कि, और ये हिंदुस्तानी कह रहा है,
दुख की बात यह है कि ये हिंदुस्तानी कह रहा है, दैट्स व्हाई दिस वर्ड। ये आप इसको समझिए, यहूदियों से क्रिश्चियनों ने छीना, क्रिश्चियनों से अरबों ने छीना, अरबों से तुर्कों ने छूना, तुर्कों से अब ये मूर्खों ने छीना, चल रहा है। हम इसके सबसे बड़े विक्टिम है पिछले 1500 साल से। आप भी कह रहे ट्रेड करो, जैसे ही हो जाएगा $5 बिलियन का वो हो गया फॉरेन एक्सचेंज, रिबा जी सबसे पहले घोड़े पे आ गए उधर वाले पीछे से अपने मुजफ्फर भाई भी सलाहुद्दीन अयूबी की तरह रिबा तुम आगे बढ़ो। आप लोग का स्वागत है वहां, हम लोग मिलेंगे फिर से पहले, लेकिन युद्ध होने से पहले YouTube का एक सेशन होगा, ठीक है ना, कि क्या लगता है सर आपको कौन जीतेगा, ठीक है। उसके बाद जब रिवाज ये क्वेश्चन पूछ लेंगी उसके बाद जलगार, उसके बाद जंग शुरू होती है। हाँ, YouTube की जंग हो जाए ज्यादा बेहतर है, किसने कितना बकवास कर देनी। तो खैर बॉटम लाइन यही है कि अपने लोग हैं और ये करते हैं तो दुख होता है। रिलीजन के नाम पे सब कुछ नहीं आजादी दी जा सकती। आप भारत का एक संविधान सिर्फ लिखित नहीं है, भारत का एक अलिखित संविधान भी है, भारत सदियों वर्षों से है। भारत के संविधान को आप नहीं निभा सकते कि रिलीजन के नाम पे हम इसकी आइडेंटिटी मिटा दें। जिस देश में रहते हैं उस देश की लॉयल्टी होना, उस देश के कस्टम कल्चर भाषा उसकी उसकी हेरिटेज से यदि प्यार नहीं तो किस चीज से प्यार है, किस चीज से प्यार है आपको, अफसोस होता है। खैर सही हो गया सर। एक लास्ट सवाल है मुजफ्फर भाई आपसे, क्या लगता है कि चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं इस थॉट प्रोसेस के साथ? नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। देखें ये डॉक्टर साहब ने जो बात की, इससे पहले भी जहाद कश्मीर होता रहा है, आपको पता है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारी मजहबी जमातें जो हैं जहाद कश्मीर के नाम पर लोगों के जो बच्चे थे उनकी ब्रेन वॉशिंग करके सारा कुछ करके ये बहुत कुछ होता रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अपने बच्चे उनके यूरोप में स्टडी कर रहे थे, अमेरिका में स्टडी कर रहे थे, लोगों के बच्चों को तैयार कर करके वो इधर भेज रहे थे। तो ये देखे ना इनका माइंडसेट क्या है, इनकी सोच क्या है, दूसरों के बच्चों को जहाद पे तैयार कर रहे हैं, अपने बच्चों को अमेरिका भेजना है। तो ये माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा, ये सोच चेंज नहीं होगी कि पैसे के लिए आप दूसरों के बच्चों की जान ले लेंगे या एक उनको ऐसा नजरिया उनके माइंड में ठोसेंगे, तो ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। डॉक्टर साहब भी जा रहे हैं फिर, डॉक्टर साहब लगता है वो जल्दी में है, थोड़ा सा उन्होंने ना लाइव सेशन करना था अपने चैनल पर। जी जी, तो जी। उनके चैनल पर ज्वाइन करते हैं। तो व्यूअर्स सर बड़े जबरदस्त टॉपिक पे एक लाइव सेशन करने जा रहे हैं, तो आप डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत ज़बरदस्त उनके थॉट्स होते हैं, तो आप उनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी लाइव सेशन में भी ज्वाइन कीजिएगा उनको। और मुजफ्फर भाई आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और लगता है अभिषेक सर वापस आ गए हैं बड़ी तरीके का। मुजफ्फर भाई ने कहा डॉक्टर साहब जा रहे हैं, हाँ मैं जा तो रहा था, मैं बोला था आप लोग अगर 15-20 मिनट बाद खाली हो तो मेरे चैनल पे आ जाइए आप दोनों लोग। जी जी जी, हम आप लिंक सेंड कर दीजिए, हम आपके चैनल पे आ रहे हैं, वहाँ पर गपशप लगाएंगे। कोई काफी ना आज स्ट्रेस हूँ मैं, थोड़ा परेशान हूँ, तो थोड़ी सी गपशप हो जाए, जरा कोई कुछ ज्यादा सीरियस टॉपिक ना हो, गपशप वाला टॉपिक हो। ठीक है, डन। थैंक यू व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाजत नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और एक और सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने एक और रिएक्शन चैनल पे रिएक्शन वीडियोस का आगाज किया हुआ है, किया तो बहुत पहले है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको जैसे मैंने मेंशन भी किया कि मैं पहले उस पर ठीक तरीके से वर्किंग नहीं करवा रही, लेकिन अब
मैं उस पर अच्छे तरीके से वर्किंग कर रही हूँ, तो आप उनके मेरे रिएक्शन चैनल को भी सब्सक्राइब करें, रिबाह इमरान रिएक्शन के नाम से मेरे चैनल का लिंक है। लेकिन जिसको चैनल नहीं मिल रहा वो मेरे मेन चैनल की कम्युनिटी पर जाकर मेरे चैनल को ज़रूर देख सकता है, वहाँ पर मैं रिएक्शन वीडियोज़ जो हैं वो उसका लिंक पेस्ट कर देती हूँ, तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको रिएक्शन वीडियोज़ मेरी पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि नेक्स्ट किस वीडियो पर मैं रिएक्शन दूँ। तो हमें दें इजाज़त और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you very much.